नमस्कार बच्चों, मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिसका नाम है मिट्टी का कबूतर। एक दिन करीबा बाजार से एक कबूतर खरीद कर लाई। उसे उसने अपने कमरे में सजा दिया। वह कबूतर था तो मिट्टी का खिलौना, मगर देखने में सचमुच का लगता था। सुबह हुई, उसकी माँ ने उसे स्कूल के लिए जगाया। वह जैसे ही उठी, उसने देखा कि बाहर बालकनी में एक सचमुच का कबूतर उसके कमरे में रखे कबूतर को देखकर गुटर गुटर की आवाज़ निकाल रहा है। ये मंजर देखकर उसने अपनी माँ से कहा, अम्मा, यह तो मेरे मिट्टी के खिलौने को सचमुच का कबूतर समझ रहा है। उसकी माँ बोली, हाँ यही बात है। इसके बाद करीबा स्कूल चली गई। करीबा के जाने के बाद उसकी माँ ने सोचा, क्यों न इस बेजान खिलौने को बालकोनी में रख कर उस कबूतर को बेवकूफ़ बनाया जाए। उसने उस मिट्टी के कबूतर को बालकोनी में रख दिया और छुप कर देखने लगी। थोड़ी देर बाद वही कबूतर गुटर गुटर की आवाज़ निकालता हुआ उस मिट्टी के खिलौने के पास आया और अपनी पंख फैलाकर उसे साथ चलने के लिए कहने लगा। मगर ये क्या, उसके पंख फड़फड़ाते ही मिट्टी का कबूतर फर्श पर गिरकर टूट टुकड़े टुकड़े हो गया। उसे टुकड़े देखकर कबूतर समझ गया कि वह ठगा गया है। वह दुखी होकर आसमान को देखने लगा और सोचने लगा कि कम से कम एक माँ को तो दूसरी माँ से ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए था। क्या इसे नहीं मालूम कि हम बेजुबान भी समझ रखते हैं। मेरा बच्चा खो गया। मैं यही सोचकर उसको लेने आई थी कि इसे पाल कर मैं अपने दुख को भूल जाऊँ। इसलिए कभी किसी की भावना का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। प्रत्येक की भावना का सम्मान करो। समझ में आया बच्चों? सभी का भावना जो होता है उसका सम्मान करनी चाहिए। कभी किसी से खिलवाड़ न करना चाहिए। ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी? अगर अच्छी लगी, अच्छी तो लगी होगी, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दें। धन्यवाद। थैंक यू बच्चों।